हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति। विंटर्स का टाइम आ रहा है और फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज का भी सीजन आ चुका है। तो स्ट्रॉबेरीज को कैसे ग्रो करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर के कुछ प्लांट्स हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं नर्सरी से दो एक पौधे खरीद के लाने को, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी को आप कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब एक पौधे से आप कई पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉबेरी को कैसे प्रोपोगेट करते हैं। तो मेरे पास कुछ चार पॉट्स में हैंगिंग बास्केट्स में स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। ये लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ को हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करना बहुत आसान है। साथ ही अगर आप थोड़े से ऊंचे पॉट्स रेक्टेंगल शेप के या फिर ओवल शेप या कंटेनर्स में बहुत आराम से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स गहरी नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा गहरा पॉट भी इसके लिए नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप इस तरह के हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और अभी अक्टूबर नवंबर का टाइम ऐसा होता है, मतलब फॉल या मैं कहूँगी अर्ली विंटर्स, जब आप इसको ग्रो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इसको ग्रो करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन चार पॉट्स में मेरे पास लगे हुए हैं स्ट्रॉबेरीज, और ये हैं रनर्स वेराइटी। इसमें एक्चुअली दो वेराइटीज़ आती हैं, एक होती हैं थोड़ी बुश वेराइटी वाले पौधे, दूसरी एक वेराइटी होती है जिसमें बहुत सारे रनर्स निकल के आते हैं, जैसे हमारे स्पाइडर प्लांट्स में रनर्स निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसके साथ बहुत लंबे लंबे से रनर्स निकल के आ गए हैं और उसमें छोटे छोटे से पौधे तैयार हो गए हैं रूट्स के साथ। जैसा कि आपने स्पाइडर प्लांट में देखा होगा, इस तरीके से रनर्स में छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं। तो बेसिकली इनको आप प्रोपोगेट करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं, नए पॉट्स में डाल करके। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रनर्स निकल के आ गए हैं। तो आज हम इन्हीं को प्रोपोगेट करेंगे। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि इसको भी आप एज अ नया प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं, इसको आप प्रोपोगेट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं दूसरे पॉट में। तो आइए देखते हैं इसको प्रोपोगेट कैसे करना है। तो चलिए हम इसके रनर्स निकालते हैं। जैसे ये एक रनर निकला हुआ है, इसमें इस तरीके से कट कर लेना और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स भी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, राइट? तो इसी तरीके से हम ये सारे रनर्स में से ये छोटे छोटे से प्लांट्स कलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके लिए पहले हम ये बड़ी वाली कट कर लेते हैं। बहुत सारे रनर्स निकल के आए हैं, तो बेसिकली हमें बहुत सारे पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे इससे। तो हमारे पास बहुत सारे रनर्स हैं, तो मैं पहले सारे कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे वन बाय वन। तो ये मैंने सारे रनर्स निकाल लिए, अब इनको मैं सेपरेट करूँगी और इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे हम। इस तरीके से हम ये सारी कटिंग्स ले लेंगे रूट्स के साथ में। अगर आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको रूटिंग के लिए कुछ दिनों तक पानी में डाल सकते हैं। जब इसकी रूट्स थोड़ी बड़ी हो जाएंगी आप तब इसको सोइल में ट्रांसफ़र करें, लेकिन मैं इसको इसी स्टेज पे करूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी से इनकी कटिंग्स निकाल लेती हूँ। स्ट्रॉबेरीज को रेडी होने में सिर्फ 60 डेज का टाइम लगता है, बहुत ही आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं अर्ली विंटर्स में, यानी अक्टूबर नवंबर में या फिर स्प्रिंग सीजन में। इसे आप हैंगिंग बास्केट्स में या फिर कंटेनर्स में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये हमारी रनर वेराइटी की स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। सारी वेराइटीज नहीं होती हैं ऐसी, कुछ वेराइटीज बुश की तरह होती हैं और कुछ में ऐसे सकर्स या रनर्स निकल के आते हैं। स्ट्रॉबेरीज को लगाने के लिए अर्ली विंटर्स का टाइम परफेक्ट है। इसके अलावा जहाँ पे स्नोफॉल होता है ऐसी जगहों पे स्प्रिंग सीजन या फिर समर्स में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरीज को ग्रो करना बहुत ही आसान है, इवन जो बिगनर्स होते हैं गार्डनिंग में वो भी इसे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसे फुल सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ग्रो करें। इसके अलावा अगर आपके गार्डन में 4 घंटे की धूप भी आती है तो भी इसे आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट और पार्शियल शेड दोनों जगह आराम से ग्रो हो जाता है। तो ये सारी मैंने कटिंग्स निकाल ली, अब इसके लिए हम पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं। तो 50% में ले रही हूँ गार्डन सॉइल,
उसके साथ ही मैं लूंगी 25% कोको बीट, जो हमारे मीडिया को सॉफ्टर एयरी रखेगा और वाटर कंटेंट को भी होल्ड करके रखता है। इसके अलावा 25% लूंगी मैं कंपोस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप का पॉट लिया है और जैसा कि मैंने बताया कि आपको किस तरीके से पॉटिंग मिक्स तैयार करना है, तो वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स करके पॉट में भर दी हैं। तो अब हम ये सारी कटिंग्स हम इसी में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोशिश करें कि पॉट के दोनों साइड्स की तरफ में लगाएं, जिससे जो हैंग हो आपका फ्लावर और फ्रूट तो बाहर की तरफ हैंग हो। इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े से होल कर लेने हैं, फिंगर से भी आप होल कर सकते हैं आसानी से इस तरीके से। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर आप चाहें तो इस टाइम मतलब इसकी कटिंग्स को प्रोपोगेट करने के टाइम इसी टाइम पे आप इनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप इनको कुछ दिनों के लिए, थोड़ी सी रूट्स और बढ़ने के लिए पानी में भी रख के डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो चूँकि मुझे लगता है कि ठीक है, हम इसको इस वक्त ग्रो कर सकते हैं, तो हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे इसी वक्त। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि बस रूट्स इसके अंदर रहें, बहुत ज़्यादा आपको स्टेम को अंदर नहीं डालना है, सिर्फ रूट्स अंदर जाती रहें इसकी। जरा सा अगर मिट्टी में टच भी हो लेंगी रूट्स तो वो भी पकड़ लेंगी, तो अगर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान से नहीं लगाया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लग जाएगा बहुत आराम से। तो इस तरीके से हम डाल देंगे सारे प्लांट्स को। तो इस तरीके से हमने ये सारी सैपलिंग्स को लगा दिया है इसमें। बस आप इसको पानी दे दें, अच्छे से पानी डालें, कुछ दिनों के लिए इसे थोड़ा सा पार्शियल शेड वाली जगह पे रखें। जब आपका प्लांट अच्छे से सेटल हो जाए, पत्तियां और बढ़ने लगे, पौधा बढ़ने लगे, तब आप इसको चाहे तो फुल सनलाइट में डाल सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा और विंटर्स में आप ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज खाने को पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसकी अपडेट्स मैं आपको हार्वेस्टिंग वीडियो में दिखाऊंगी पूरी अपडेट। तो अभी हमने इसको कटिंग से लगाया, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगी, फ्रूट्स ग्रो होंगे, वो सारा कुछ मैं आपको हार्वेस्टिंग वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप भी स्ट्रॉबेरी के कुछ पौधे लेके आइए, इस तरीके से आप रेप्लिकेट करिए उनको और ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज खाइए विंटर्स में। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में। बाय बाय।